आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी और देखो खलिया टॉप चढ़ेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है तो देखना ज़रूर, काफ़ी मज़े होने वाले हैं। और अभी आज हमारा प्लान ये है कि मतलब आज ही हमको खलिया जाना है, ऊपर चढ़ना है और आना है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। इससे पहले 4 बार जा चुका हूँ मैं और 4 बार ये था कि हम लोग जाते थे खलिया तो रात को वहीं पर टेंट लगा के रुकते थे, बट ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग खलिया जाएंगे। लेकिन हम लोग वापस नीचे आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे जॉलजी भी, उसके बाद धारचूला, बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ, वो टाइम के हिसाब से है। तो ये है अपना मधकोट के पास पे एक वाटरफॉल आता है, नाम तो इसका पता नहीं है बट काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है। और आप देख सकते हैं अगर कैमरे में दिख रहा है तो रेनबो भी बन रहा है यहाँ पर, अपनी गोरी गंगा गोरी नदी जो कि अपने नीलम ग्लेशियर और पाचू ग्लेशियर से निकलती है, अब बन रहा है रेनबो ये नीचे कुछ एंगलों में बन रहा है। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने की निंजा टेक्निक, नीचे है ये नदी, इतना तेज फ्लो है ये। और ये भुवन भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन शाबाश, ला मैं खींचू, यही टफ पड़ेगा थोड़ा, चलो 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 शाबाश शाबाश। तो फाइनली हम हमारी वतन वापसी हो रही है, भुवन भाई हमें ड्राइव करके लाए हैं नेपाल से इंडिया, और भाई पूरा फन था, पूरा मजा आ गया, सीरियसली इट वाज रियली फन। चावा चावा चावाश, मेरे को ऐसे लग रहा है ये पलट जाएगा जैसे ना। हमारी वतन वापसी हो रही है, भुवन भाई हमें ड्राइव करके लाए हैं नेपाल से इंडिया, और भाई पूरा फन था, पूरा मजा आ गया, सीरियसली इट वाज रियली फन। चावा चावा चावाश, हाथ दो हाथ दो, थक गया लड़का। फाइनली हम पहुंच गए हैं बेस पे और हमारे ड्राइवर भुवन भाई एग्जॉस्टेड, थक चुके हैं पूरा, पर हम एंड पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो फाइनली ये झूला पुल का एक्सपीरियंस ले लिया है, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें खींचने में, आने जाने में आप देख सकते हैं। हेमू भाई की जीत पर हो पाया है और बहुत ही मेहनत लगी है। मतलब अभी हम आ गए हैं मधकोट में और मधकोट में अब एक हॉट स्प्रिंग वाटर निकलता है, वहीं पे नहाएंगे। अब मधकोट से आप कभी भी गुजरेंगे मुनस्यारी की तरफ, मत जॉलजी बीच से मुनस्यारी वाले रोड में, मधकोट के नीचे जस्ट रोड के नीचे आप लोग आ सकते हैं। हाँ ये हाँ ये है, ये साबुन वाबुन लगा के उज जाते हैं ना, यहाँ गंदा कर रखा है इसमें, यहाँ इसमें फिर उसमें पूछ लेते हैं गंदा तो नहीं है कहीं, सल्फर की स्मेल बहुत कम आ रही है यार इस बार, पिछली बार तो पूरी रोड में आ रही थी। देखते हैं कुछ ये सिस्टम बना रखा है यहाँ पर नहाने का, बहुत ही अल्टीमेट, ये लड़कों के लिए और ये अंदर वाला जो है लड़कियों के लिए। तो फिलहाल हमारा हॉट स्प्रिंग वाटर का हो चुका है और अब निकल रहे हैं बाहर, काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें नहाने के बाद इसके बाद थोड़ा फ्रेश वाटर को दिखाते हैं, यहाँ पर जाएंगे और इसमें नहाएंगे। करीब करीब बज गए हैं 11 और अभी हमें जाना है मुनस्यारी देन खलिया टॉप, तो देखते हैं आज का टास्क पूरा हो पाता है या नहीं। वह तो सब जोश में है कि कर लेंगे, फिर भी अभी चलते हैं और फिर आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं खलिया टॉप के नज़ारे। अभी हम पहुंच गए हैं खलिया द्वार, क्योंकि मुनस्यारी से जस्ट 6 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ से हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे 0 पॉइंट के लिए, और कोशिश करेंगे मतलब कि 0 पॉइंट पहुँच पाते हैं या नहीं। खलिया टॉप तो पहुँच ही जाएंगे, 0 पॉइंट का देखते हैं वहाँ जाके डिसाइड होगा कि क्या करना है, बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। लेट काफ़ी हो गए हैं, करीब करीब बज गए हैं 1:30 और अब चढ़ाई शुरू करते हैं, बाकी आपको रास्ते में दिखाते हैं। और आज मतलब अप डाउन करेंगे और आपको खलिया द्वार के नज़ारे दिखेंगे, आज बादल भी नहीं लगे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू हो रहा है उस साइड को, पूरा पंजा चुरी रहेंगे इसका।
तो फिलहाल 20 रुपये पर हेड चार्ज देने के बाद हम खलिया की चढ़ाई शुरू कर दी है। टाइम क्या हो रहा है अभी, ठीक 1:30 बज रहे हैं। अब देखते हैं कितने देर में ऊपर पहुंचते हैं और कितनी जल्दी नीचे आते हैं। बाकी टाइम टाइम में रास्ते का दिखाते रहेंगे। फिलहाल 2-3 किलोमीटर तक तो हालत ख़राब होने वाली है, मतलब काफ़ी है। मुझसे पूछते हैं कि ट्रैकिंग थकाई इस सब के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ट्रैकिंग करो, आपको 2-3 किलोमीटर तक बहुत थकान होगी, ऐसा होगा कि आप छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके बाद मज़ा आएगा और थकान बहुत कम लगेगी। पर ट्रैकिंग में कभी भी अपने साथ पानी और चॉकलेट जरूर ले जाएं। बाकी रास्ते में दिखाते रहते हैं, ये अपने लगे हैं चीते, हेमू, प्रिंदा, पीयूष। बढ़िया रास्ता है ये। हाँ तो केक भी जा रहा है, 0 पॉइंट में कटेगा खरिया टॉप में या इधर ही ऊपर में पत्थर में। तो प्रिंदा कैसा है माहौल अभी? बहुत थकान। हेमू भाई तो ओके हैं, चल रहा है। पीयूष भी ओके, अपन भी ओके। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम हूँ क्योंकि खलिया टॉप में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। एक्साइटेड हूँ ऊपर जाके वो वाला व्यू देखने के लिए, वो जो अभी दिख रहा है वो ऊपर से प्रॉपर। और पीयूष क्या उम्मीद है? फिलहाल TRC में मिलते हैं। अब TRC के बाद आपको डमरू पत्थर, देन खलिया टॉप वगैरह वगैरह जो भी है सब। जी बता। फाइनली हम TRC पहुंच गए हैं। खलिया टॉप यहाँ से फिलहाल तो दिख भी नहीं रहा, जस्ट वो टॉप में जो ऊपर दिख रहा है वहीं जाना है। कभी आप यहाँ आए तो यहाँ रह सकते हैं आराम से। यहाँ कुछ चार्ज है 1500 रुपये और रेड, उसमें खाना पीना सब कुछ है। आप देख सकते हैं TRC बड़ी ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, टेंट वगैरह सारे हैं। हमारी टेंशन, हमारा जाने का आने का तो हम दौड़ के आएंगे। टाइम दे दो, दौड़ के तो आ जाओगे। हम जाने का भाई, तुम फटाफट काटो ना। तुम मिल गए, वही गिफ्ट है। ये गिफ्ट तो है हमारे लिए, यहाँ आगे ये गिफ्ट हो गया। ये दूसरा बर्थडे है लगातार यहीं आके, दूसरा बर्थडे है लगातार यहीं आके, पिछले साल भी यहीं है, यहीं आता है ये बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। भाई हल्के में ले रहे हो क्या? उससे तो बना रहा है, उससे ही तो बना। चलो नहीं हो रहा है। Happy birthday dear Bhuvan, आज 50 साल का पूरा हो गया हमारा भाई। ये लो भैया, लो जो छोड़ लो, मैं खिला रहा हूं। पिछले बर्थडे में भी यही था ये, पिछली बार के आगे वाले में भी यही। इसको खिलाओ पहले, इसको खिलाओ यार, खिलाओ खिलाओ। अरे नहीं नहीं आओ, अरे भाई लोग को सवा चीज बनाओ, सब निपटा भी दे हमें भी। तो स्वाद रहा यार ना, चिंता की ज्यादा। सारे भाई लोगों को बहुत बहुत थैंक यू ये यादगार पल बनाने के लिए और विद पंचाचुली पीक्स। थैंक यू दादा, मानना पड़ेगा। अरे खाओ ना, अरे आओ यार, केक घर थोड़ी ना ले जाएंगे इसको, अब खाओ ना। आओ ये तो आओ, आओ खाओ, यहाँ ठंडा हो रहा है यार। अरे आओ ना, जाता सारा प्योर वेज। अच्छा एगलेस है, अच्छे से एगलेस वाला ही लाए हैं, अंदर डालते क्यों बोले सारे। बीच में अभी नीचे हमें दो मोनालो का झुंड मिला था,
काफी सुंदर मुनाल, जिसमें एक नर था एक मादा। नर का कलर काफी चटक, एकदम चटक कलर, रंगीन, और मादा का कलर ब्राउन। तो आप तब तक ये वीडियो देखिए मुनाल, बाकी और दिखती है तो आपको आगे भी दिखाएंगे, तब तक ये वीडियो देखिए। फाइनली खलिया टॉप पहुंच चुका हूं और थकाई काफ़ी लग गई है। पीछे आप देख सकते हैं घास, पूरी बुग्याल की घास है, एकदम मखमली चादर जैसी। और काफ़ी टाइम बाद पहली बार धूप पड़ रही है तो सनबर्न ना हो जाए, इसलिए चश्मा लगा लेते हैं। लेते हैं यार, काफी मशक्कत के बाद फाइनली अब आपको दिखाते हैं नजारा। तो ये है कुछ नजारे, वो जो आप लास्ट पीक देख रहे हैं, ये मेरी उंगली के पास, ये जो पीक है ये है 0 पॉइंट, और यहाँ से गाल की शुरू हो चुका है। एक चीज था, मैं डमरू पत्थर ढूंढ रहा था, बट डमरू पत्थर मुझे अभी तक दिखा नहीं है, कहाँ हुआ। कुछ ओ ये रहा डमरू पत्थर, आपने मेरी पहले की पोस्ट देखी होंगी, उनमें आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा हूँ मैं। आज देखो कितना शानदार व्यू है, और ये देख सकते हैं आप फेस टू फेस पंचाचुली पर्वत, 5 पांडव भी कहा जाता है इन्हें। पूरी आ गई है धुंध और अब चढ़ने जा रहे हैं खलिया टॉप में, देखते हैं क्या संघर्ष रहता है। एक बार तो पहले चढ़ा हूँ, आज भी चढ़ जाएंगे क्यों? कैसे आना है? पहले दिखा देता हूँ। चलो फिर चढ़ते हैं। एक मिनट, पहले कैमरा रखते हैं यहाँ पर। आइए भुवन भाई, आइए। हेलो गाइस, मैं डमरू पत्थर में चढ़ रहा हूँ और मैं पहुंच गया। देख सकते हैं डमरू पत्थर, कभी खलिया है तो डमरू पत्थर में चढ़ना ना भूले। ऊपर तो धुंध हो गई है हमारे, वहां जहां हमें जाना है। यहाँ देखो ये अपना पंचाचुली पीक्स, नीचे का तो आपको ज्यादा दिखा नहीं सकता फिलहाल, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अब वहां से आपको व्यू दिखाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए खलिया टॉप, आप देख सकते हैं पीछे पूरा बुग्याल है, और हिम्मू भाई आ गए हैं अपने, और सामने मैं आपको बताऊं तो एकदम सामने पे हमारे सनसेट होने को तैयार है, इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम 0 पॉइंट में पहुंचेंगे और सनसेट का मजे लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल प्लान हुआ है कि हम ऊपर 0 पॉइंट तक नहीं जाएंगे, हम खलिया टॉप में ही रहेंगे और यहीं से जाएंगे, क्योंकि 2-3 बार जा चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से खलिया टॉप से पूरा व्यू, पूरी हिमालय रेंज। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे बुरांस के पेड़, और मोनाल तो उसी टाइम दिखी, उसके बाद दिखी नहीं, शायद झाड़ियों में चले गई। अब शाम का टाइम हो रहा है तो चिड़िया सब अपने घर की तरफ, जो भी उनका घोंसला वगैरह है उस तरफ को जाती हैं। फिलहाल यह है कुछ नजारे, मुनस्यार ही है अपना, फिर सारा संसार एक मुनस्यार। तो हम लोग आ गए मुनस्यार और यहाँ पर बढ़िया करके घूमे हैं आज, लेकिन हमने जो चढ़ाई की है काफ़ी थकान भरी थी, क्योंकि इतना हमने अप डाउन, आज तक हम आते थे हम नाइट स्टे यहीं करते थे, बट इस बार थोड़ा समय का अभाव और ऊपर रुकने के प्लान से तो हम आए नहीं थे,
क्योंकि यहाँ पर टीआरसी से ऊपर टेंट लगते नहीं है। टीआरसी तक नॉर्मल जंगल है, वो तो अपने यहाँ भी है, वहीं लगा लेंगे हम। तो इस वजह से हमने टेंट लगाना कैंसिल कर दिया है और अब तो सांस भी फूलने लगी है, ऑक्सीजन की कमी, और फिर चले भी काफ़ी हैं। बाकी टीआरसी में अपना फ्यूज हमारा वेट कर रहा है, नीचे पहुँच के चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे टीआरसी की तरफ। बहुत बढ़िया, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ, तो अभी अभी तुरंत, और सामने के नज़ारे दिखाता हूँ, वो देखो विंटर लाइन, बढ़िया एकदम। बादलों में, बादलों में वो देखो, पर थोड़ी धुंध होने की वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको क्लियर दिखाएंगे। हम आ चुके हैं वापस खलिया टॉप से टीआरसी की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट वगैरह लगे हैं, और फिलहाल अब हम प्लान करते हैं, हमें नीचे जाना है, ऊपर मे भी हमें नीचे जाएंगे, बंदे जा चुके हैं, तो अपन निकलते हैं और भाई को बाय बाय करते हैं। तो अरे बाय बाय ब्रदर, आप जा रहे हो अब नीचे? हाँ, दिल्ली के भाई हैं अपने, आज ही मिले हैं। ओके, फिर मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टच में रहेंगे, चैनल तो है ही। हाँ बिल्कुल, डन डन। ओके ब्रो, ओके बाय, हैव फन।